प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। आजमगढ़ जिले में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने जा रहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे डीएम राजेश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय के निर्माण का लेआउट तैयार कर दिया गया है। ये निर्माण दो फेज में होना है। पहले फेज के लिए 118 करोड़ का बजट पास हो गया है। इससे बिल्डिंग, हॉस्टल और कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही इस बजट में 2.5 किलोमीटर का लिंक मार्ग भी बनाया जाएगा जो विश्वविद्यालय को सीधे जोड़ेगा। तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं, जो फाइनल टच है वो चल रहा है अभी। इसमें सभा जो है उसमें काफ़ी लोग आने की उम्मीद है, उसकी तैयारी हो चुकी है। रूट्स वगैरह और पार्किंग वगैरह तैयार किए जा चुके हैं, चिन्हित भी किए जा चुके हैं। फोर्स की ब्रीफिंग भी हो गई है, ऑफिसर्स की ब्रीफिंग भी हो गई है, तो बाकी सब लॉजिस्टिक जो है वो पूरे आ चुके हैं, तो तैयारी समय पूर्ण कर ली जाएगी। माननीय गृहमंत्री जी भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का कल का कार्यक्रम जनपद आजमगढ़ में प्रस्तावित है, उसके लिए आज हमारी ब्रीफिंग है, रिहर्सल है, डीब्रीफिंग है। जितनी फोर्स हम लोगों ने डिमांड की थी वो फोर्स हम लोगों को मिल चुकी है। इसमें लगभग चार कंपनी हमारी पीएससी की लगेंगी, दो कंपनी आरएएफ की लगेंगी, उसके साथ साथ टोटल लगभग 1,500 का पुलिस बल हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। और सारी ड्यूटियाँ जोन डिवाइड करके उनमें ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। प्रॉपर फ्रिस्किंग और चेकिंग के साथ लोगों को उसमें एंट्री दी जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पूरे शहर को अलग अलग जोन में बांट के लोकल जो पुलिस फोर्स है उनका इस्तेमाल। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर के अरवलकिरी करवल में 16 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके पूर्वांचल के लोगों को एक सौगात देंगे। वहीं पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसको लेकर योगी ने सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अरवल किरी करवल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। वहीं भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का ट्रायल भी सेना के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन वे एक्सप्रेस वे भी सबसे अलग माह बनकर तैयार हो अगले माह बनकर तैयार हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अगले महीने बनकर के पूरा हो जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेस वे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और गंगा एक्सप्रेस वे तथा बलिया लिंक एक्सप्रेस वे पर हमारी कार्रवाई आगे। और यूपी जाना जाएगा स्वाभाविक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की दिशा से इस एक्सप्रेस वे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। राम की पावन नगरी अयोध्या अक्षय नवमी तिथि के मौके पर राम नाम की गूंज के बीच कोरोना के बाद अयोध्या की पहली 14 कोसी परिक्रमा आज सुबह शुभ मुहूर्त में शुरू हो गई। वहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में स्नान कर परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा अगले दिन यानी 13 नवम्बर को सुबह 6:33 तक चलेगी। बाराबंकी से परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि 500 वर्षों बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश है। हम लोग आए हैं बाराबंकी जनपद के रीवा ब्लॉक से, छेवली नरसिंह देव स्थान से आए हैं और हम लोगों को 11 वर्ष हो गया है परिक्रमा करते हुए और पंचकोसी, और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है 500 वर्षों के बाद। मोदी और योगी जी को विशेष धन्यवाद जो इन्होंने राम मंदिर के लिए कार्य किए, और प्रसन्नता हो रही कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू, राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, ऐसा शुभ अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम परिक्रमा कर रही हैं भगवान के साथ, बहुत अच्छा बन रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। मिर्जापुर में केंद्रीय सेवा कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं कौशल विकास मिशन के द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य विद्युत मंत्री रमाम शंकर पटेल और तमाम विधायक मौजूद रहे। साथ ही इस मेले में 36 कंपनियों को निमंत्रण भी दिया गया।
इस मौके पर उद्योग अधिकारी बी के चौधरी ने बताया कि इस मेले में भारत से कुल 36 कंपनियों को बुलाया गया है, जिससे विंध्याचल मंडल के 3 से 5 हजार बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अनुमानतः हम 3,000 से 5,000 तक बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश आज करेंगे। हमारे पास 36 कंपनियां आई हुई हैं जो ऑल ओवर इंडिया से आई हुई हैं और हर तरह की हैं। हाई स्कूल आज के मुख्य अतिथि नगर विधायक माननीय रत्नाकर मिश्रा जी हैं। सर, मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है और मैं रोजगार मेला के लिए आया हुआ हूँ और गवर्नमेंट रोजगार जहाँ पर लगा हुआ है सर, गवर्नमेंट ITI मिर्ज़ापुर में, यहीं से मैं पढ़ाई भी किया था। उसके बाद आज पता चला कि गवर्नमेंट ITI स्कूल में रोजगार मेला लग रहा, बृहत रोजगार मेला जो कि मैनपुरी के QRC महाविद्यालय में पंचदिवसीय गाइडिंग प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन BEd प्रशिक्षु ने नगर के रास्तों से होकर चिन्हों का पालन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। वहीं अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंचकर मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियान में BEd की छात्रा प्रिया यादव ने मतदान में महिलाओं की जागरूकता और लैंगिक असमानता पर, जबकि समीक्षा गुप्ता ने मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस दौरान महाविद्यालय की संयुक्त सचिव प्रिंसिपल और जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर ने छात्राओं का उत्साह वर्धन करते हुए उनके विचारों की सराहना की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। शिक्षक शिक्षा विभाग की प्रवक्ता कुंवर RC महिला महाविद्यालय मैनपुरी से, जैसा कि सर्वविदित है कि RC महिला महाविद्यालय में BEd के बच्चों के लिए चल रहे पंचदिवसीय गाइडिंग शिविर प्रशिक्षण के आज तीसरे दिन छात्राओं ने हाइकिंग संबंधित कार्य को पूर्ण किया, साथ ही मतदान से संबंधित जो कि एक अभियान चलाया जा रहा है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, इसका थीम है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2022 से संबंधित। छात्राओं ने मतदाताओं को जागरूक करने से संबंधित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। मतदान जागरूकता होगा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, उसे निभाने में कई लोग पीछे रह जाते हैं। भारत केवल संविधान की किताब में लिख देने से भारत एक महान लोकतांत्रिक देश नहीं बन जाता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी यहाँ मतदाताओं की संख्या काफ़ी कम है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी तो पुरुषों से भी कम है। एक आंकड़े के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत सिर्फ 55% रहा और महिला मतदाताओं का प्रतिशत 48% रहा, जिसमें सुधार पिछला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के द्वारा सनराइज ओवर पुस्तक लिखी गई है, जिसमें 113 नंबर पर पेज में हिंदुओं को आतंकवादी बताए जाने के बाद संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस सनराइज ओवर बुक में हिंदुओं को आतंकवादी बताए जाने को लेकर तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने अयोध्या कोतवाली पहुंचकर सलमान खुर्शीद के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं संत परमहंस दास ने कहा कि कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने अपनी बुक में हिंदुओं की तुलना आतंकवादी संगठन ISIS से की है और 100 करोड़ हिंदुओं को उन्होंने आतंकवादी बताया है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने एक पुस्तक लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें उन्होंने 113 नंबर पृष्ठ में लिखा है कि हिंदुत्व जो है ISIS और बोको हराम जैसे है। हिंदुत्व कहने से जितने भी सनातन को मानने वाले हिंदू हैं, सभी की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन ISIS से और बोको हराम से कर दिया है। उसमें चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या साधारण कोई भी, जितने भी हिंदू हैं 100 करोड़ हिंदुओं को उन्होंने आतंकवादी बताया है, जिससे मैं बहुत आहत हूं। और आज हमने जो है तो तहरीर दिया है, हमारा ये कोतवाली अयोध्या है और उम्मीद करता हूँ कि गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो। रायबरेली में रोडवेज बस के माध्यम से पहुंचे रेती खुर्द मोड़ के पास अवैध हथियारों से सौदागरों को SOG टीम और थाना कोतवाली नगर पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान घेराबंदी में आरोपी ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं।
दृष्टिगत कुछ इनपुट मिला था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा शस्त्र की तस्करी की जा रही है, जिसके क्रम में आज एक व्यक्ति को थाना कोतवाली SOG और सर्विलांस की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से कुल 7 कंट्री मेड वेपन्स बरामद हुए हैं। पूछताछ में इसने बताया कि डिमांड के अनुसार यह एटा और फरुखाबाद बॉर्डर पर जो कटरी क्षेत्र है वहाँ से एक व्यक्ति के माध्यम से ये शस्त्र प्राप्त करता था और लोगों को सप्लाई किया करता था। इससे पूछताछ में यह भी बात प्रकाश में आई कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी रोडवेज। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीधे CJI रमन्ना को एक साथ लगभग 2500 से अधिक पत्र भेजने का मामला सामने आया है। इस दो हजार इक्कीस का सबसे बड़ा पत्र माना जा रहा है। मामला UPSI दरोगा भर्ती 2016 से जुड़ा हुआ है, जिसमें लिखा है पत्र सत्याग्रह पत्र आंदोलन। इस पत्रों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भेजा गया है और साथ ही यूपी गवर्नमेंट और सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पे भी इस पत्रों को लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि सीएम योगी के आधिकारिक सोशल मीडिया को टैग भी किया गया है। आपको बता दें कि लिखा गया है @MyYogiAdityanathji को इन गंभीर स्थिति का आकलन होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। @SupremeCourtOfIndia और इस विषय को इन पत्रों को जनहित याचिका के रूप में देखते हुए CJI रमन्ना श्री NV रमन्ना जी को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, यह भी लिखा हुआ है। आपको बता दें कि यह मामला एक भर्ती से जुड़ा हुआ है, जहां पे एक व्यक्ति को पहले भर्ती के लिए जिस तरह से भुगतान किया जाता है वो भुगतान नहीं किया, व्यक्ति ने अपने पास से जितना भी खर्च था वो वहन किया, उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं दी गई, उसे अपात्र बता दिया गया, जिसके बाद व्यक्ति ने ये तमाम पत्र सभी को भेजे हैं। झांसी में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई गई विवाह योजना के अंतर्गत प्रचार वाहन को CDO एवं उप श्रम आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी शैलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत श्रम विभाग द्वारा विवाह के बंधन में बंधने वाले प्रत्येक जोड़े को 65,000 रूपए नगद और वर वधु को 5,000 रूपए अलग से दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रचार वाहन का उद्देश्य अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है। श्रम विभाग के अंतर्गत जो हमारा चल निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड है, उसके अंतर्गत 15 प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो कि श्रमिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाएं चलती हैं। इसके अंतर्गत चाहे वो शादी विवाह से संबंधित योजनाएं हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित योजनाएं हैं, चाहे वो जो कार्मिक हैं उनको कभी किसी तरह की कोई मेडिकल समस्याएं आती हैं उनसे निपटने के लिए, जीवन में किसी भी प्रकार की एक्सीजेंसी चाहे वो जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक मैं अगर कहना चाहूँ तो सारी चीज़ों के लिए जो है इस बोर्ड के अंतर्गत धनराशि की व्यवस्था है। ये जो है योजना है उन श्रमिकों के लिए है जिनका लगभग 90 दिन पुराना जो है 100 दिन पुराना जो है पंजीयन है और जिनके बेटी की उम्र 18 साल है और जो दामाद बनेगा उनकी उम्र 21 साल हो, वो इसके लिए अपना पात्र तक तहत जो है आ सकते हैं। अभी तक हमारा जो टोटल पंजीयन है वो 60,000 श्रमिकों का पंजीयन है। उन्हीं हमने उसमें जो है शॉर्टलिस्ट किया 40 साल के उम्र के श्रमिकों को, क्योंकि 40 साल के श्रमिकों के बेटा इतनी बड़ी बेटी या बेटियां हो सकती है, तो जो 40 साल से ऊपर श्रमिक हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं और यार प्रचार वाहन के माध्यम से हम जो है उन श्रमिकों के पास जाएंगे, उनको अपनी योजना के बारे में बताएंगे। फतेहपुर के विकासखंड देवम के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में मिड डे मील के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से आई एक टीम ने बच्चों के सामने अपना एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नुक्कड़ नाटक ग्रुप के मुख्य सदस्यों में अरविंद यादव, अनूप कुमार एवं मंजू सिंह शामिल रहे, जिन्होंने नुक्कड़ नाटक की सहायता से बच्चों को डेंगू, मलेरिया और दिमागी बुखार के बारे में जानकारी दी एवं उनका बचाव भी समझाया। साथ ही बच्चों ने भी टीम के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिए। और अयम उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष बने एरवा कटरा के गौरव रंजन गुप्ता, जिनका कमला मैरिज हॉल में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं व्यापारी भाइयों एवं ग्रामवासियों ने इस मौके पर खुशी भी जाहिर की। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है उसको वो बखूबी निभाएंगे। साथ ही सभी व्यापारियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई भी समस्या हो तो वो उसका समाधान खुद करेंगे। अन्य सरकारों में जो व्यापारियों को उत्पीड़न होता रहा है वो इस सरकार में ना हुआ है ना होने देंगे,
और पूरा व्यापारियों का समर्थन, पूरी बात उनकी ऊपर तक पहुंचेगी, कोई भी समस्या है उसका निराकरण होगा। और आगामी जो 14 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाले पैस व्यापारी सम्मेलन में भारतीय किसान यूनियन अंबावाता के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने हजारों किसानों की संख्या के साथ आगरा मंडल अध्यक्ष लेखराज सिंह अवैरनी और जिलाध्यक्ष मथुरा के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं, डीएपी खाद नहीं मिलना और साथ ही डेंगू महामारी पर सीएमओ का कोई ज्ञापन नहीं लेना, साथ ही सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में घूस लेना और साथ ही तीनों काले कानूनों के वापस नहीं होने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर किसानों ने टैंक चौराहा से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। मैनपुरी के कुरावली में ग्राम अकबरपुर झाला में ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि काफी समय से ग्राम सभा की जमीन पर लोगों के मकान बने हुए हैं, जिसकी मरम्मत ग्रामीणों द्वारा कराई जा रही है। तभी मौके पर बिना किसी आदेश के पहुंचे लेखपाल राजेश यादव ने निर्माणाधीन का काम रुकवा दिया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि लेखपाल ने दबंगई दिखाते हुए ग्रामीणों के साथ अभद्रता भी की, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कुरावली SDM नरेंद्र सिंह से करते हुए मामले की जांच करके कार्यवाही करने की अपील की है और साथ ही इस संबंध में कुरावली SDM ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया। मामला साहब ये है कि हमारे गांव के लोग जो है आबादी में ही, हमारा पूरा गांव आबादी में बसा हुआ है और दो जगह काम चल रहा था। आज इन लोगों ने हमसे पूछ के, इनका कब्जा है, काफ़ी सालों से कब्जा है पुराना, इसको ये यूज कर रहे थे तो थोड़ी बहुत इन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल करवा रखी थी पहले से, वो बारिश के कारण गिर गई। तो इन लोगों को अभी सर्दियों में जानवर बांधने की समस्या के कारण इन्होंने पूछा, प्रधान जी हम उसको बनवा लें, तो हमारी तरफ से कोई आपत्ति थी नहीं, तो हमने इन लोगों से बोल दिया आप उसको रिपेयर कराना चाहते हैं तो करवा लो। तो ये लोग आज अपना रिपेयर करवा रहे थे उसको, लेखपाल साहब को किसी के जरिए सूचना मिली तो ये वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इनको लेखपाल साहब ने धमकी वाले शब्दों में काम बंद करवाया अथवा इनको धमकाया, बोला हम आपकी ईंटें फेंकवा देंगे, बिल्डोजर चलवा देंगे, ये वो, मतलब अपने शब्दों में इनको धमका दिया। और इसी विषय में ये लोग यहाँ पर साथ हम इनके आए हैं, यहाँ पर ये शिकायत करने आए। सर मामला ये है कि हमारी ग्राम समाज की जगह में हम यूज कर रहे थे उसको, अभी तक करीब 20 साल पहले हमें जैसे दी गई थी जगह, ये वैसे तो ग्राम सभा की जगह ही है ये, तो हम इसका आज जैसे नी गिर गई थी पहले की, जो बारिश के कारण गिर चुकी थी उसे ही रिपेयर करा रहे थे, तो लेखपाल साहब आए, उन्होंने अचानक काम रुकवा दिया, ना कोई स्टे ना कुछ, उन्होंने जैसे नी टीन डलवाने की सोच रहे हैं हम पशु पालने के लिए। ये मैटर आया था, अभी गाँव का नाम है अकबरपुर झाला, तो उसमें एक गाँव में एक निर्माण कार्य हो रहा है, तो क्षेत्रीय लेखपाल से पूछा गया था तो बताया कि ग्राम समाज की जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है, तो कार्य को रुकवा दिया गया है। शेष गांव के लोगों का कहना है कि गांव समाज की जमीन पर नहीं हो रहा है कब्जा, तो वास्तविक स्थिति के लिए हम कल जांच करवा रहे हैं और यदि गांव समाज की जमीन पर कब्जा पाया जाता है तो तत्काल हटवा दिया जाएगा और गाँव समाज की जमीन पर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मिर्जापुर के चुनार थाना इलाके के गांव कैलहट में शिव शंकरी धाम मंदिर में 10 नवंबर को हुई हत्या का एडिशनल SP ने पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता करते हुए खुलासा किया। SP ने बताया कि नशे के लिए चोरी करने के लिए गए तीन दोस्त मंदिर में ताला तोड़ रहे थे, जिसकी आवाज सुनकर जगे राधे श्याम के शोर मचाने पर उनके सिर पर हमला करके उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने क्षेत्र के ही निवासी साहिल और रितेश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल एक अन्य की तलाश अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।